बिसम राय अलकूम आज जी मैं आपको दही जमाने की रेसिपी देने लगी हूँ आपने बिल्कुल मेरे तरीके से जमानी है इनशाला देखिएगा दही बहुत ही अच्छी बहुत परफेक्ट मजार जैसी बिल्कुल जमेगी इतनी अच्छी इतनी हार्ड ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ऐसी मक्खन जैसी जमेगी बस आपको करना ये है कि जैसे मैं बताऊँ वैसे ही आपने इसको रेसिपी को फॉलो करना है सबसे पहले मैंने हाफ के जी मिल्क लिया है इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख देना और इतना बॉईल करना है तकरीबन बीस से पच्चीस मिनट इसको लो फ्लेम पे हमने बॉईल करना है इस तरह से है। ठीक है जी जब ये बीस से पच्चीस मिनट बॉईल हो जाए ये देखिए इतना बॉईल करना है कि इसके ऊपर मलाई आ जाए फिर उसके बाद हमने इस दूध को हमने किसी मट्टी के बर्तन में डालना है मिट्टी के बर्तन में ये होता है कि बहुत अच्छी दही जमती है अगर मिट्टी का नहीं है तो आप इस फील के बर्तन में आप इसे जमा सकते हैं ठीक है जी प्लास्टिक के बर्तन में दही अच्छी नहीं जमती और डालने के बाद हमने इसको इतना फेंटना है कि ऊपर इसके झाग आ जाए ठीक है जी इतना हमने इसको दूध को फेंटना है मतलब इसको इस तरह से इस तरह से ठंडा करना है और नीम गर्म हमने इसको कर लेना है जब ये नीम गर्म हो जाए ऊपर झाग आ जाए तो मैंने एक टेबल स्पून दही ली है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसमें मैंने डालना है जी हाफ़ टेबल स्पून पानी का ये बहुत बड़ी ट्रिक मैं आपको देने लगी हूँ इसको पानी डाल के हमने जस्ट मिक्स करना है और हमने क्या करना है ये जो दही हमने मिक्स की हुई है हमने इसको सेंटर में डाल देना है बर्तन में ठीक है और इस तरह से इसको सात या आठ घंटे के लिए रख देना गर्मी है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इसको हम ऐसे ही रख देंगे किसी गर्म जगह पे मतलब रूम टेम्परेचर पे आप रख दें सर्दियों में हम इसको गर्म जगह पे रखेंगे ये आठ घंटे हो चुके हैं इसको मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था आठ घंटे के बाद और आपने ज़रूर फ्रिज में इसको एक घंटे के लिए रख दीजिए ठीक है जी और आठ घंटों में परफेक्ट बिल्कुल दही जम जाती है और अगर सर्दी है तो आप इसके ऊपर कोई कपड़े से इसको ढाँप लें ठीक है इसको गर्म करने के लिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ चम्मच से इसको काट के ये देखिए कितनी अच्छी कितनी सॉफ्ट लेकिन पत्थर जैसी जमी है अगर आपको मेरी दही जमाने की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा मुबारक अल्लाह हाफिज़